हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे जी आज पार्टी हो रही है। हनी पापा कहते थे दाड़ला गैस की केवाईसी कुछ पता नहीं क्या होता है वो करवाने, नंबर वगैरह ऐसा बोला था, तो तभी वही गैस मिलेगी। और बीच में रख दिया, देखो इन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको, एक और लिफाफा ये लेके आए थे, पैटीज़, पैटीज़ ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, पेटीज़ पता नहीं क्या बोलते हैं। और एक था अपना, दो वो थे सॉफ्ट, नहीं केक जैसी होती हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, और मैंने मंगवाए थे मोमोज। तो इनको ना किसी ने ख़राब मोमोज थमा दिए, एक्चुअली चलते चलते लिए इन्होंने, बस आने वाली थी तो लिए इन्होंने, तो ख़राब मोमोज मतलब वो मैंने खाए नहीं, शानू ने फिर भी खा लिए, मैंने नहीं खाए। तो हमारे ऐसे ही कोई भी कहीं जाता है, हर नहीं जाता तो घर को चीज़ लेके आते हैं, तो सभी लोग जो है ना इकट्ठे होके खाते हैं। तो मैं और भी कईयों से बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जाते हैं खुद बाहर खा के आ जाते हैं, और घर में पत्नी बच्चे सब रह जाते हैं। और प्लीज़ आप जब भी कहीं, मैं जेंट्स लोगों से, भाइयों से ज़्यादातर बोलना चाहूँगी, जब भी कहीं बाहर जाएं, देखो घर की औरतें कहीं जा नहीं पाती, बच्चे होते हैं, तो घर में चीज़ें लेके आया करें तो खाया करें। मैंने बहुत से देखा है ऐसा, मैंने घर में लाते बाहर बाहर ही खा के आ जाते। तो ये था, ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते भूल रही हूँ मैं, वैसे तो मेरे को पता है। और ये हमने खाया जी, मज़ा आ गया खाने का, थोड़ा थोड़ा ही खाया, पर ये था कि साथ में खाया इकट्ठा ना, ये मैं शानू को निकाल रही थी इससे। शानू को तो सबसे ज़्यादा खाने वाला है भाई शानू, और काम पे नाम पे इसको ना बीमारी लग जाती है, काम के बस काम को बिल्कुल अति सी, नहीं तो मेरे काम भी करता है। तो चलिए, तो इसके बाद जो है ये देखो यहाँ पे फिर हम सब लोग खा रहे थे, और बैठ के यानी कि पापा ने बाहर कुछ भी नहीं खाया, इन्होंने भी घर पे आके खाई थी। और थैंक यू सो मच, सभी लोग फ़ोन की बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। किसी ने एकम प्रीत कौर, उन्होंने बोला था कि कौन सा मॉडल है, कौन सा फ़ोन है ये, तो रियलमी 12 प्रो प्लस है ये। और वैसे मैंने वीडियो डाली थी, पर लोग रेगुलर वीडियो नहीं देखते ना, तो फिर नहीं पता लगता। मेरे दोनों चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं और जो डेली देखते हैं उनको पता है। और मैं ये देखो, ये चल रही थी घर में पार्टी, कोई ऐसी नहीं थी, हर रोज़ होली दिवाली, ये देखो जी छूट गई हर रोज़ होली दिवाली है। अगर आप खुशियाँ मनाओ तो ज़रूरी नहीं है किसी त्यौहार पे या किसी फंक्शन में, बर्थडे पे ऐसे भी आप जो ये चीज़ें लेके आओ, आप ऐसे भी लेके आ सकते हो, ठीक है, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी ओकेज़न के, कुछ भी। तो ये देखो नहीं, अभी नहीं, पापा के कपड़े भी नहीं खोले इन्होंने, और मैं ना सो गई थी, अभी नींद नहीं आई थी मेरे को, फिर मैं जैसे उठी मोमोज का नाम सुन, और मेरे को ना नींद आई, और फिर वो मोमोज का मज़ा भी नहीं आया, वो मेरे को ख़राब लगे, मैंने नहीं खाए, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी ख़राब, ठीक है। अच्छा अभी इतने पढ़ दिया, बोले बोले पढ़ो ये ज़्यादा, तो अभी टाइम पता है क्या हो रखा है, ये क्या ऐसे हो ये बन जाना नहीं सही ना, दूजी ये कम दे रहा था, तो अभी ये खाने को लेके आए हैं क्या, तो ऐसा दूध पाओ पहले थोड़ा पाओ, ऐसा दूध पा, तो इसको अभी भी हम दूध देते हैं, देखो कैसे ये कर रही है, ये क्या पड़ गया, बस 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 कम देते हैं अभी इसको, चौथे महीने लग गए ये, क्या था है? बस 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 कुछ नहीं, पीड़ा सा दे पाना, तो अभी हम देते हैं इसको दूध, तो ट्राई फूड की, तो ये देखो अभी ये वेट कर रही है, अपना अपना किसको दिया इन्होंने, अच्छा अभी एक को ही दिया था, तो वैसा हमको ही देना है ना। चलो पता सिया को मैं बताऊंगी आप लोगों को कि सिया क्यों है कमज़ोर है ना, मैं बताऊंगी अभी ना, मैं कुछ काम कर लूँ, ट्राईपोड लेके आती हूँ फिर मैं आपको, अब मैंने गोबर पाथना था, टाइम बहुत हो गया है, ऐसे पकड़ती हूँ फ़ोन बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कहीं भगवान डर लगता है। तो चलो अभी अभी अंदर काम है, और एक मिनट रुको, मैंने ना ये किया हुआ है आज, मैंने मेकअप कर रखा है, इसमें साफ पता लग जाता है, नहीं वैसा तो नहीं पता लगता, पर
मेकअप कुछ नहीं, क्रीम और कंसीलर लगाया है, फाउंडेशन ले रखा पाते हैं। तो ये भी दूध देने जाएंगे, रुको मैं लेके आती हूँ। पता है ना, पता है मेरे को अपना उपले बना रहे हैं थोड़े से। तो बस हमारा थोड़ा सा दूध जाता, अब तो बिल्कुल ही कम जाएगा क्योंकि अभी 9 तारीख से लग जाएगा, 8वां महीना हमारी राधा को, राधा बोले मीरा बोले। तो उसके बाद जो है फिर सिया को मैं बताऊंगी आप लोगों को कि वो क्या, एक्चुअली सिया क्या करती है ना, प्रैक्टिकल बताऊं अंदर जाके दे। क्या ओ दे दो ना मुरली हमारी जान, राधा रानी दे दो ना, हाँ दे दो ना ये मुरली हमारी जान, राधा रानी दे दो ना। पार से लोग देखते होंगे क्या पागल है होना ना भाई, पागल बनना पड़ता है। रुको आप एक मिनट, चलो गोबर पाथो मेरे साथ, चलो चलो सब जाने लोग दिख उपले बनाते हैं। आ जाओ, जो मेरे घर आया करेगा ना उससे मैं गोई टू जरूर गोबर के उपले जरूर बनवाया करूँगी जो भी आएगा। चलो अभी मैं बताती हूँ आपको कि सिया के जो ना, एक तो तूफान चला है ना बाहर, ये देखो ये गोबर बनाने के उपले। बारिश आ रही है आज ना पूरे जोर शोरों से बारिश आ रही है। यहाँ बना देती हूँ एक, ये यहाँ जैसे बस अभी है एक महीना मेरे पास गोई टू पाथने के लिए, क्योंकि अभी जगह है मेरे पास वहाँ रखने के लिए।
मक्खियां ऐसे अटैक करती है ना, एक सेकंड को दरवाजा खुला रह जाए तो बस। बस यही था लास्ट में। ये धूल बैठ गई इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर तो नहीं बैठी पर बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। अब हरविंदर दीदी ना मेरा हाल चाल पूछने की बजाय पहले फोन का पूछते हैं, मधु फोन कैसा है। अभी तक तो ठीक है दीदी, बिल्कुल तंदुरुस्त है, और भगवान करे लॉन्ग लाइफ चले इसकी, क्योंकि भाई रोज हम नहीं ले सकते हैं ना। अभी 11 महीने तक तो इसकी किस्तें चलेंगी नहीं, तो अभी तूफान जैसा आने। और मैंने सोचा था, मैंने कहा 2-4 पूले कणक के काट के आऊँगी। कहते हैं कि कणक अगर थोड़ी बहुत पकने को रह गई हो ना, जैसे हम दराटी लगाते हैं तो फिर पूरी पक जाती है। तो मेरे को मौसम ख़राब लग रहा है, बादल लग रहे हैं और हवा आई है पूरे जोर से, तो सोचते मिर्ची होगी लगाने को, मिर्चों को ही लगा देती हूँ है ना, ये सोच रही हूँ। तो चलो देखती हूँ है ना, मिर्चें लगा देते हैं क्योंकि वो भी अब फिर ख़राब हो रही है ना, तो उनका भी ये हो जाएगा। तो ये देखो मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ इनको, इतनी पनीरी जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने वहाँ से पट के लाई हूँ मैं इसको, अभी इतनी सी लाई हूँ, देखती हूँ मेरे से कितनी सी लगेगी। बाकी अगर बारिश हो जाती है तो फिर बढ़िया रहेगा, क्योंकि बारिश के बाद ना फिर ये पानी देने की ज़रूरत रहेगी, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं होता है फिर डर लगता है, टैंकियों का भी नहीं यूज़ कर सकते। तीसरे चौथे दिन आता है फिर, वो तो पीने के लिए चाहिए होता है, पीने के लिए बर्तन कपड़े पशु हैं, तो वो चीज़ रहे। देखो हवा हवा किस तरह की लग रही है, यहाँ पर लगेगा आपको पता। ये देखो ये धनिया हमारा हो जाएगा अगर इसमें, पता नहीं लग जाएगा। और इस तरह का कुछ मौसम हो रखा है, और ये वाला पोर्शन खाली है, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मिर्चें। हो गई तो ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लग गई थी फिर लगाने पर, फ़ायदा कुछ नहीं। देखो बैंगन में भी वहीं के वहीं हैं, हमारी ज़मीन ऐसी है ना इसमें, या तो मतलब सेज साहब सेज फेंक के रखो भी बहुत सख्त हो जाती है। तो इस तरह से तो मैं पूरी मिट्टी में लोट पोट होके लगाती हूँ चीज़, क्योंकि ऐसे में बैठ नहीं सकती ढंग से।
मैं तो काम करते करते कर खेत में भी लेट जाती हूँ, घासनी में भी लेट जाती हूँ, बस बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद उसके बाद काम करती हूँ, क्या करूँ भाई, होता है। अच्छा तो बस यहीं तक मेरा वीडियो था आज का, इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड भी करूँगी। आप लोग सब लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल छोटी छोटी पनीर थी तो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि इकट्ठी क्यों लगा दी इतनी, क्योंकि बीच में बहुत सारे अभी इसमें जो पौधे वो मरेंगे, तो बिल्कुल शाम का टाइम था। इसमें ऐसा नहीं है कि दिन को नहीं लगाई थी, दिन को तो नहीं लगानी चाहिए, तो ऐसे ऐसे पहले मैं किलनी से इनको थोड़ा सा ये करके उसके बाद लगा रही थी, फिर मैं इनको पानी दूंगी, जो बच जाएंगे वो भी ठीक है, जो नहीं बचेंगे वो भी ठीक है, देखते हैं, बस काम करना चाहिए, बाकी आगे फल जो है वो भगवान देता है। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हो, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, मैं यही महामारी से प्रार्थना करती हूँ, और आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, देख लेना एक बार कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये जाम जैसे होंगे दोनों चैनल। तो जय माता दी, राम राम।